तो दोस्तों आज हलवाई रेसिपी में आज हम छह तरह की रेसिपी बनाएंगे। पहला हमारा होगा लौंग लत्ता और दूसरा हमारा घेवर और तीसरा हमारी रेसिपी होगी काले गुलाब जामुन की और चौथा हमारा बेसन सूजी और मावा टेक्चर की बर्फी। पांचवी रेसिपी हमारी होगी रसगुल्ले की। ये रसगुल्ले आप आसानी से कैसे बना सकते हो। और ये छठवीं रेसिपी हमारी जो है ये ब्राउन पेड़े की है। ये बहुत टेस्टी पेड़ा बन के तैयार होता है। तो हम पहला रेसिपी शुरू करते हैं लौंग लत्ता। तो दोस्तों आज हलवाई रेसिपी में आज बन रहा है बिहार की फेमस मिठाई लौंग लत्ता। और ये मिठाई इतनी टेस्टी बनती है कि और भी मिठाई आप खाना भूल जाओगे। तो चले शुरू करते हैं। यहाँ इस बाउल में हमने 1.5 कप मैदा ऐड किया है। वजन में ये 250 ग्राम मैदा है। हम 250 ग्राम मैदे का बनाएंगे आज लौंग लत्ता। अब इसको खस्ता बनाने के लिए इसमें हम 1/4 कप घी ऐड करेंगे। घी को हमने गर्म कर लिया थोड़ा सा। वजन में ये 60 ग्राम घी है। घी हमारा गुनगुना सा है। इस तरह मैदे में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इससे मैश हो जाता है तो अच्छी तरह ये खस्ता बन जाता है। तो इस तरह ये पोटली सी बनने लगती है। जब तब इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए यहाँ 1/2 कप हमने पानी ऐड किया है। ज़्यादा पानी इसमें नहीं लगेगा, सिर्फ 1/2 कप पानी लगेगा। और इस तरह हम इसको मैदे को सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे। ये देखिए इसका मैदा ज़्यादा मुलायम नहीं होना चाहिए, थोड़ा ये सख्त भी होना चाहिए और अच्छी तरह सफाई भी होनी चाहिए। तो ज़्यादा ये मुलायम भी ना हो ना ही ज़्यादा सख्त हो। तो इस तरह मैदा हमने गून के तैयार कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम रख देते हैं अभी एक लिफाफे में। हम इस मैदे को हम 10 मिनट रेस्ट दे देते हैं। इस बाउल में हमने लिफाफे में करके रख दिया है। अब यहाँ मीडियम फ्लेम पे हमने गैस ऑन किया है और इसमें हमने 1 कप पानी ऐड किया है और इसमें हम 2 कप शुगर ऐड करेंगे। अब इसकी हम चाशनी बना लेंगे। मतलब शुगर के आधा हमने पानी ऐड किया है, बस इसको हमने सिर्फ उबाला देना कि चाशनी कम्प्लीट हो जाती है। बिल्कुल रसगुल्ले गुलाब जामुन की तरह हम चाशनी बना लेंगे। ये देखिए थोड़ी देर बाद ये चाशनी हमारी उबाला आ जाती है और इसमें कोई तार नहीं होता है। ये देखिए बस ये थोड़ी सी चिपचिपाहट होती है, तार बिल्कुल नहीं होता है। बस ये हमारी चाशनी तैयार है। इसमें हम कोई फ्लेवर डालना, जैसे रूह केवड़ा है, इलायची पाउडर है, ये सब हम डाल सकते हैं जिससे और ज़्यादा चाशनी टेस्टी बन जाती है। अब इस चाशनी को उतार कर दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं और ठंडा होने देते हैं। तो अब हम चलते हैं मैदे की तरफ। ये देखिए इस लिफाफे में हमने रखा था, 10 मिनट रेस्ट हो चुका है। लिफाफे में मैदा हमारा बिल्कुल सेट हो जाता है, इसमें हवा नहीं लगती है ना तो ये मैदा सूखता है। अगर हम कपड़े से ढकते हैं तो मैदा सूख जाता है, लेकिन लिफाफे में बिल्कुल परफेक्ट मैदा हमारा तैयार हो जाता है। तो इस तरह लिफाफे में रख के उसके बाद हाथों से मैश करके लंबा सा रोल बना लिया है। इसकी पेड़ियाँ तोड़ देंगे। तो आप बड़ी साइज़ की बनानी बड़ी बना सकते हो, छोटे साइज़ की बनानी छोटे साइज़ की बना सकते हो। तो ये बिल्कुल मीडियम साइज़ का हमने लौंग लत्ता बनाना है। तो इस तरह हम बिल्कुल पूड़ी के साइज़ का हमने ये पेड़ियाँ तोड़ दी है। जो हम घर में पूड़ी बनाते हैं उस साइज़ की हमने पेड़ियाँ तोड़ दी। अब इसको पूड़ी की तरह हमें बेलना भी है। ये देखिए इसको फ्लैट करते हैं, इसके ऊपर बेलना चला देंगे, बिल्कुल पूड़ी की तरह इसको हम बेल देते हैं। बिल्कुल ये पतले साइज में हो, ज़्यादा ये मोटा साइज नहीं होना चाहिए। इसकी सीट पतली होनी चाहिए जिससे लौंग लत्ता खाने में हमारा बहुत टेस्टी लगेगा। तो इसी पूड़ी के आकार की हम सारी पेड़ियाँ बेल के तैयार कर देंगे। ये देखिए ये 2 पेड़ियाँ हमने बेल दिया, बिल्कुल पूड़ी की तरह है। इसको पतला बेलेंगे तो लौंग लत्ता पूरा अंदर से सॉफ्ट बनेगा। तो ये देखिए इस तरह हम पेड़ियाँ 2-3 बेल दिए हैं। उसके बाद में हम सारा इसी तरह हम बेल के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारी सारी पेड़ियाँ तैयार होगी। अब एक एक पेड़ी का हम लौंग लत्ता बनाएंगे। इसको अलग रख देते हैं। अब यहाँ हमने खोया लिया है, ये खोया हमारा 150 ग्राम है। अब इसमें थोड़ा सा कोकोनट बुरादा ऐड करेंगे, देसी केटेड कोकोनट हमने ऐड किया है। और इसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट बारीक कट के ऐड किया, जैसे काजू बादाम पिस्ता, ये हमने बारीक कट के ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये खोया हमने 600 ml दूध का तैयार किया है। इसमें हमने 1 चम्मच मीठा भी ऐड किया है और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी हमने ऐड कर दिया था।
मतलब ये खोया हल्का सा मीठा है, ज़्यादा मीठा नहीं है। इसमें ज़्यादा मीठा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लौंग लत्ता फ्राई कर लेते हैं तो उसको चाशनी में डालते हैं, इसलिए इसमें मीठा ना भी ऐड करें तो भी हमारा लौंग लत्ता टेस्टी बनता है। वैसे तो मीठा अगर हम खोए में डाल देते हैं तो ये ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो इस तरह हम देखिए एक सीट ले लेंगे और इसके बीच में हम ये अपनी स्टफिंग रखेंगे और इस तरह एक परत इस तरह इसके खोए के ऊपर करेंगे और दूसरी परत के ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगा के इस तरह दूसरी परत को चिपका देते हैं, तो ये अच्छी तरह चिपक जाता है। उसके बाद इसको हाथों में लेकर अच्छी तरह इसको चिपका देते हैं, ये देखिए इस तरह दबाव देते हैं जिससे अच्छी तरह चिपक जाता है। अब इसका पलट देते हैं, पासा इस तरह पलट देते हैं, उसके बाद इसको साइडों में पानी लगाते हैं। ये देखिए एक दूसरे को हम इसको जोड़ देते हैं, ये देखिए पानी लगाने से ये मैदा आपस में चिपक जाता है, ये देखिए। तो ये कि डिजाइन बन जाता है, बीच में हमारा होल सा बन जाता है। तो आपको होल रखना तो होल भी रख सकते हो, नहीं होल रखना तो इसको नहीं भी रख सकते हो। जब इसमें होल होता है बीच में तो ये अच्छी तरह फ्राई हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह हम होल रखेंगे और इसके ऊपर एक लौंग लगा देते हैं जिससे ये ज्वाइंट हो जाता है। तो इस तरह हमने एक पीस लौंग लगा दिया है। अभी लौंग लगाने से इसको लौंग लत्ता कहा जाता है। तो ये इस तरह होल जैसा हम बना देंगे। अब दूसरा सीट देखिए, आपको पहला नहीं समझ लगा तो दूसरा देखिए। ये देखिए इस तरह पूड़ी के आकार का जो बेल के रखा है इसके ऊपर पानी हम पहले लगा देते हैं, उसके बाद में हम बीच में स्टफिंग रखते हैं। अब एक साइड से अपनी सीट उठाते हैं और इस खोए के ऊपर रखते हैं। ये देखिए इस तरह खोए के ऊपर रख दिया, अब ऊपर से थोड़ा पानी लगा देते हैं, उसके बाद ये दूसरा सीट इसके ऊपर चिपका देते हैं और इसको अच्छी तरह हम चिपका देते हैं। ये देखिए हाथों से इस तरह हथेली से इसको अच्छी तरह चिपकाने के बाद पासा हम पलट देते हैं, उसके बाद इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा हम पानी भी लगाते हैं और इस तरह पानी लगा के इसको ज्वाइंट कर देते हैं। पानी लगाने से ये चिपक जाता है, उसके बाद इसमें एक लौंग लगा देते हैं, लौंग से भी ज्वाइंट हो जाता है। तो लौंग जब लगाते हैं तो दोनों सीट अच्छी तरह ये चिपक जाता है और ये देखिए इस तरह लौंग लत्ता बन जाता है। तो बस इस तरह जब बीच में होल रहता है तो ये अच्छी तरह फ्राई हो जाता है और बिल्कुल टेस्टी फ्राई होता है। धीरे धीरे ये मीडियम सेक पे जब हम फ्राई करते हैं तो ये पूरा टेस्टी बन जाता है। तो चलिए फ्राई करते हैं। उसके लिए हमने घी रखा है, यहाँ मीडियम सेक पे हमने घी रख दिया। घी हल्का सा जब ये गर्म हो जाता है तो इस तरह हम बैच ऐड करते जाते हैं। ये देखिए तो यहाँ देखिए ये थोड़ा सा घी गर्म है। अब यहाँ हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको मीडियम सेक पे धीरे धीरे फ्राई होने देते हैं। अगर हम बिल्कुल कम सेक पे छोड़ देते हैं तो इसकी परतें निकल जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें गर्म हो जाए तब छोड़ दीजिए और इसको धीरे धीरे मीडियम सेक पे फ्राई करिए। ये देखिए बाद में इसको सेक तेज करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कम सेक पे आप इसको पकाइए। कम से कम आप 20 मिनट 25 मिनट लग जाए ब्राउन होते तब ये टेस्टी फ्राई होता है। इसको 20-25 मिनट आप धीरे धीरे जब पकाएंगे तो अंदर की मैदे की जो लेयर होती है अच्छी तरह पक जाती है और कुरकुरी बन जाती है, टेस्टी बन जाती है, खस्ता हो जाता है। तब हमारे लौंग लत्ता पूरे टेस्टी बनते हैं, जब चाशनी में डालते हैं तो अच्छी तरह चाशनी अब्जॉर्ब करती है। तो ये देखिए अच्छी तरह हमने ब्राउन कर लिया है, इसको 20-25 मिनट लग गए हैं। अब इसको हम चाशनी में डाल देते हैं। अब चाशनी तुरंत अंदर तक भर जाती है, क्योंकि जब लौंग लत्ता पक जाता है तब अच्छी तरह चाशनी भर जाती है। अगर इसमें आप पकाने में कसर रखते हैं तो आपका लौंग लत्ता टेस्टी नहीं बनेगा। अब यहाँ हमने थोड़ा सा केसर भिगो के रखा था, इसमें डाल देते हैं। अब इस तरह हम ये देखिए इसको अच्छी तरह चाशनी में हम डुबो देंगे, क्योंकि गरम गरम है, चाशनी भी हमने गरम कर लिया है और दूसरा लौंग लत्ता भी गरम है, ये तुरंत अंदर तक भर जाती है और ये बहुत टेस्टी बन जाती है। तो ये बिल्कुल खस्ता और टेस्टी लौंग लत्ता बन के तैयार हो जाता है। तो बस ये लौंग लत्ता तैयार है, इसको एक चाशनी से निकालते हैं बाहर। ये देखिए यहाँ हम चाशनी से बाहर निकाल लेंगे, कढ़ाही से एक प्लेट में जोड़ देते हैं। ये देखिए इस तरह प्लेट में जोड़ते जाएंगे। जब सारा अच्छी तरह जोड़ देते हैं तो इसके ऊपर हम पिस्ता बादाम और काजू से गार्निश भी कर देते हैं। ये देखिए बारीक बारीक हमने कट के रखा है, तो इसके ऊपर हमने ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया। अब हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कितना खस्ता और टेस्टी लौंग लत्ता हमारा बनके तैयार है। इस तरह आप भी आसानी से बना सकते हो। ये देखिए
ये पूरा अंदर से कुरकुरा भी है और पूरा सॉफ्ट भी है। इस तरह आप खस्ता लौंग लत्ता आसानी से बना सकते हो। इसमें खोया जो रहता है बहुत टेस्टी रहता है, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह लौंग लत्ता आप बना के तैयार करके खा सकते हो। ये मेरी शॉप है, इस शॉप पे मैं अपनी रेसिपी बनाता रहता हूँ, साथ में मैं शेयर भी करता रहता हूँ। जो भी हम रेसिपी बनाते हैं इस काउंटर के ऊपर रख देते हैं और एक दो घंटे में ये सेल भी हो जाता है, ताज़ी ताज़ी चीज़ है। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाएं। तो हमारे चैनल पे हर एक तरह की मिठाई की वीडियो, खोए पनीर की आइटम की वीडियो सब मौजूद है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो अब हम बनाते हैं सेकंड रेसिपी घेवर की। घेवर की रेसिपी बारीक बारीक जाली की आप कैसे बना सकते हो ये देखिए। तो दोस्तों राज हलवाई रेसिपी में आज बन रहा है टेस्टी घेवर। ये देखिए इस तरह हमारे घेवर बन के तैयार होते हैं, आप भी इस तरह बना सकते हो और इस तरह के घेवर बिल्कुल स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं। तो हम रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले चाशनी बना लेंगे। यहाँ मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन करके हाफ कप पानी एक कप शुगर ऐड करके इसकी हम चाशनी बना लेते हैं। तो ये चाशनी थोड़ी देर में उबल जाती है और चिपचिपी चाशनी बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए इस तरह हमें चाशनी बनाना होता है, तो बस ये परफेक्ट है। इसमें थोड़ा सा हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा हाफ नींबू निचोड़ देंगे, जिससे हमारी चाशनी जमती नहीं और जब हम घेवर के ऊपर डालते हैं तो टेस्टी भी बनता है। तो ये देखिए यहाँ हम इस तरह चाशनी बना के रख दिए हैं। अब यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पर गैस ऑन किया है, एक पैन रखा है, इस पैन में हमने एक कप दूध ऐड किया है। इसकी हम रबड़ी बनाएंगे गाढ़ी सी, जो हम घेवर के ऊपर लगाते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दिया, एक चम्मच इसमें शुगर भी ऐड कर दिया। अब इसको हम उबाला दे देंगे और थोड़ी देर तक दूध को पकाएंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा खोया भी डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह जब दूध हमारा उबलने लगता है और थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें खोया भी डाल देते हैं। तो ये खोया हमारा 150 ग्राम है, इसमें हमने खोया भी मिक्स कर दिया। अब इसकी हम गाढ़ी सी रबड़ी बना लेंगे। थोड़ी देर ये पकता रहता है, उसके बाद में गाढ़ी सी रबड़ी हमारी बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए इस तरह ये गाढ़ी हो जाती है थोड़ी देर पकाने से और ये हमारी रबड़ी बनके तैयार हो गई। ये देखिए अब यहाँ जो हमने रबड़ी बनाया है ये हमने कम मीठा रखा है। कम मीठा से हमारे घेवर ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्योंकि घेवर में भी हम चाशनी डालते हैं। तो चलो आगे घेवर का बैटर बनाते हैं। उसके लिए हमने 1/4 कप घी, मतलब 60 ग्राम घी ऐड किया है, या आप 4 चम्मच डाल सकते हो। इसमें हमने छोटे छोटे 2 पीस बर्फ़ के डाल दिए हैं और इसको बर्फ़ के साथ इतना फेंटेंगे कि बिल्कुल ये मक्खन जैसा बन जाए। ये देखिए तो इसको हाथों से अच्छी तरह फेंटना होता है कि ये पूरा मक्खन की तरह एकदम फेंट के तैयार हो जाए। ये देखिए जिस तरह मक्खन नहीं होता है उसी तरह ये फेंट के तैयार हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी बन जाता है ये। इस तरह हम बर्फ़ के साथ फेंटते हैं तो ये देखिए इस तरह घी हमारा मक्खन ही बन गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम 1 कप मैदा ऐड करेंगे। ये हमारा वजन में 200 ग्राम मैदा है, इसको अच्छी तरह भर के ऐड किया है। वैसे कप में 160 ग्राम आता है, लेकिन हमने 200 ग्राम मैदा और 1 चम्मच इसमें हमने बेसन बारीक वाला चने का ऐड किया है। अब यहाँ देखिए इस तरह हम बोतल से ठंडा पानी ले लेंगे। इस बोतल में बिल्कुल ठंडा पानी है, अंदाज़ा से हम 1 कप पानी पहले ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह फेंटेंगे। ये देखिए इसको हाथों से इतना तेज फेंटना होता है इसका बैटर बिल्कुल प्लेन बन जाए, इसमें गुठली लम्स बिल्कुल ना रहे, और इसको गाढ़ा ही फेंटना होता है तभी गुठली लम्स इसमें ख़त्म होते हैं। तो थोड़ा पानी इसमें हमने और ऐड किया है, ज़्यादा नहीं, 1/2 कप पानी इसमें हमने और ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे, बैटर को थोड़ा पतला करेंगे। तो ये देखिए इस तरह बिल्कुल प्लेन बैटर बन जाता है। ये देखिए अब इस बैटर को ज़्यादा पतला करना होता है तो इसलिए हम 1 कप पानी इसमें और ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल पतला बैटर हो जाता है, बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है, जैसे दूध होता है उसी तरह ये बैटर तैयार हो जाता है। अब 1 कप मैदे में, मतलब 200 ग्राम मैदे में और 1 चम्मच बेसन में हमारा 2.5 कप पानी तक लग चुका है, मतलब हमारा जो है 600-700 ग्राम पानी इसमें हमने ऐड किया है। और इस तरह हम छाननी से दोबारा छान देंगे दूसरे डोंगे, क्योंकि इसमें कोई डरी हो अगर छोटी बड़ी तो ये भी अच्छी तरह बारीक हो जाती है।
ये देखिए इस तरह चम्मच से रगड़ देंगे जो ये बारीक हो गई और बारीक से छन जाती है। अब ये हमारा बैटर परफेक्ट तैयार है। ये देखिए इसका बैटर जो होता है बिल्कुल पतला सा होता है। इस चम्मच पे इस तरह लकीर मार के देखिए तो ये बिल्कुल पतला सा बैटर दिखाई देता है। अब हम दूसरे डोंगे में हमने थोड़ा सा बर्फ़ रख दिया है, उसके ऊपर हमने बैटर रख दिया है जिससे ये ठंडा रहे। अब यहाँ हमने घी गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है तब तक हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये ठंडे की बोतल है, जो 20 रुपये वाली हमारी ठंडे की बोतल आती है, ये ड्यू की बोतल है। इसमें हमें ढक्कन में इस तरह सुई से छेद कर लिया है। सुआ होता है जो बर्फ़ वाला, उसको गर्म कर दीजिए और छेद कर लीजिए, इससे आसानी से हमारा घेवर बन जाता है। तो इस बैटर को इस बोतल में डाल देते हैं। ये देखिए आप गिलास से डाल सकते हो या पीक लगा के डाल सकते हो या ऐसे डाल सकते हो कि बाहर ना गिरे, गिलास से जल्दी नहीं गिरता है। तो इस तरह हमने 2 कप इसमें डाल दिया। ये देखिए यहाँ हमने 2 कप भर के डाल दिया, मतलब यहाँ 500 ml हमने बैटर इसमें डाल दिया। इसमें हमारा 2 घेवर बन जाएगा। कोल्ड ड्रिंक की कोई भी बोतल हो इस तरह आप ढक्कन में छेद करके आप बैटर भर के और ये घेवर बना सकते हो। ये देखिए इधर हमने छाननी रख दिया जिसमें हम घेवर निकालेंगे, और नीचे प्लेट रख के हमने थाल रख दिया जिससे घी निचुड़ जाएगा। और ये देखिए घी हमारा गर्म हो रहा है। जब ये गर्म हो जाता है तो इस तरह ये देखिए बैटर हम डालते रहते हैं। इसको पूरा प्रेशर पे अगर बैटर आप डालोगे तो पूरा फैल के अच्छी तरह जालीदार घेवर हमारा बन के तैयार होता है। ये देखिए झक ज़्यादा ऊपर आ जाए तो थोड़ा आप रुक जाइए, फिर दोबारा डालना शुरू कर दीजिए। आप पूरा प्रेशर से अगर बोतल से डालोगे तो इसका घेवर बहुत टेस्टी बनता है और बारीक जाली वाली बनता है। तो इस तरह हम घेवर बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह हम डालते जाएंगे। इसका झक जब ज़्यादा ऊपर आ जाए तो थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद में आप दोबारा फिर डालते जाइए। ये देखिए, और ये ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम आपको हाई फ्लेम पे चलाना है। ये हमारा गैस का फ्लेम हाई पे चलता रहता है, इसीलिए सेक पूरा तेज़ होना चाहिए। अगर तेज़ नहीं रहेगा तो ये जाली सही नहीं बनती है। गैस का फ्लेम पूरा हाई पे चाहिए और घी भी पूरा गर्म होना चाहिए, तब ये पूरी जालियाँ बनती हैं। तो ये देखिए इस तरह ये घेवर हमारा तैयार हो गया है। ये थोड़ी देर में जैसे ही थोड़ा ब्राउन होना शुरू होता है वैसे वैसे ये साइडें छोड़ देता है और ये बीच में नाचने लगता है। ये देखिए अभी थोड़ा सफ़ेद रंग का है, इसको थोड़ा और ब्राउन करते हैं तो घेवर फिर टेस्टी लगता है। तो इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लेते हैं, उसके बाद ये जब 2 मिनट में ब्राउन हो जाता है तो इस तरह घेवर हम पतीले से बाहर निकाल देते हैं। और ये बहुत आसान तरीका है। अब यहाँ देखिए इस तरह हम घेवर इस छाननी में रखते जाएंगे। एक बात और है, लेमन जूस हम बैटर में नहीं डाले हैं, हमने चाशनी में डाला है। अगर आपको लेमन जूस डालना है इस बैटर में तो इसमें भी डाल सकते हो। और ये देखिए इस तरह हम दूसरा बैच बनाते जाएंगे। ये दूसरा बैच हमारा घेवर बन रहा है, पूरे प्रेशर से इसमें डालना होता है और ये बारीक जाली की घेवर बन जाती है। अगर आपका जो बोतल है ये आपका बिल्कुल रुक रुक के मोटे साइज में गिरेगा तो घेवर हमारा मोटा साइज के बनेगा। इसमें जो छेद बोतल में करते हैं बारीक छेद कीजिए और प्रेशर से पूरा मारिए तो आपकी जो घेवर बनेगी पूरी बारीक जाली वाली और टेस्टी बन के तैयार होगी। तो बस इसी तरह हम घेवर बनाते जाएंगे। ये देखिए 2 बैचेस हमारे तैयार हो गए हैं। जब ये थोड़ा ब्राउन होता है तो अपने आप ये साइडें छोड़ देता है। अभी हम आपको छोटी क्वांटिटी में दिखा रहे हैं। अगला घेवर हम आपको दिखाएंगे हलवा स्टाइल में, हम तवे में बनाते हैं, मोल्ट में बनाते हैं, तो वो घेवर हम आपको दिखाएंगे। ये छोटी क्वांटिटी में हमने दिखाया है कि आप सब भी अपने घर में आसानी से बना लोगे। तो ये छोटी क्वांटिटी में हमारा घेवर बनके ये 3 पीस हमारा तैयार हो गया। चौथा भी हमारा बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए थोड़ी देर बाद में चौथा भी हमने बना के तैयार कर दिया। तो ये हमारे 4 पीसेज बनके तैयार होते हैं। और ये घेवर छोटे साइज के नहीं हैं, ये 200 ग्राम में बड़े साइज के 4 घेवर बनके हमारे तैयार हो गए। ये देखिए, और ये बारीक जाली वाले हमारे घेवर बनके तैयार हुए। अब ये देखिए जो घेव निचोड़ा था वो थाल अलग कर दिया और दूसरी ट्रे में हमने रख लिया। और इस तरह हम चारों इकट्ठा रख देंगे। अब इसके ऊपर ही हम चाशनी डाल देंगे।
ये जो कढ़ाई में हमने चाशनी बना के रखा था, इस तरह हम ये करछी से इस जाली के ऊपर डालते जाएंगे और चारों तरफ हम घुमाते जाएंगे, जिससे हमारी ये चाशनी अब्जॉर्ब कर लेगी। ऊपर वाले में डालेंगे तो बचा हुआ जो निचुड़ता है वो नीचे वाले में भी चला जाता है। तो इस तरह हम चाशनी डालकर इसको मीठा भी बना देते हैं। ये देखिए, अब दोबारा हम दूसरे घेवर पे डालते जाएंगे, इसको उठा के फिर रख देंगे, तीसरे पे डालते जाएंगे, मतलब इस तरह हमने चारों घेवर को अच्छी तरह चाशनी से अब्जॉर्ब कर दिया। और ये टेस्टी घेवर हमारा बनके तैयार है। आप भी आसानी से इस तरह घेवर बना सकते हो। और ये देखिए, ये चार घेवर हमारे कंप्लीट हैं। हमारे चारों घेवर में चाशनी भी लग के तैयार हो। अब घेवर के ऊपर हमने जो गाढ़ी सी रबड़ी बनाई थी, इस तरह हम ऊपर लेप करते जाएंगे। ये देखिए, और रबड़ी से हमारा घेवर ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह हम रबड़ी लगा कर जब खाते हैं तो ये बहुत टेस्टी बन जाता है। तो ये देखिए, इस तरह हमारा घेवर रबड़ी वाला तैयार है। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट जो लगाना आप लगा सकते हो, जितना ही टेस्टी ड्राई फ्रूट से बनाना उससे ज़्यादा टेस्टी आप बना सकते हो। तो ये देखिए, इस तरह हमने ड्राई फ्रूट भी लगा दिया, इससे भी ज़्यादा आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। तो इस तरह टेस्टी घेवर हमारा बनके तैयार है और इसको हम कट खाएं। तो ये घेवर सावन के महीने में बनता है और इस तरह सावन के महीने में बिकता रहता है। कहीं कहीं जगह पे तो घेवर बहुत बिकता है। इस तरह के घेवर टेस्टी आप अपने घर में बना के खा सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं और बहुत आसान तरीके से ये ऐसा घेवर बन जाता है। तो ये हमारा घेवर बहुत टेस्टी बनके तैयार है। आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हो और रसोई में ही कुछ इन्ग्रीडियंट से ये बन जाता है और बहुत आसान तरीका है बनाने का। तो यहाँ हम थर्ड रेसिपी बनाते हैं काले वाले जामुन। ये देखिए, ये पूरे अंदर से सॉफ्ट और पूरे टेस्टी बनके तैयार होते हैं। हमारे ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, आप काले गुलाब जामुन पूरे सॉफ्ट और टेस्टी आप अपने घर में बना लेंगे। तो यहाँ उसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है। ये दूध हमारा पहले से उबला हुआ था, अब हमने थोड़ा सा इसको गर्म किया है दूध को फाड़ने के लिए। इतना गर्म फाड़ना होता है जितना दूध गर्म हम पी सकते हैं, उतना दूध गर्म हमें फाड़ना पड़ता है। तो यहाँ दूध हमने सैटरक से फाड़ना है। ये देखिए, बारीक बारीक दाने चीनी जैसे होते हैं, इस तरह हमने इस पानी में डाल दिया। पानी हमारा 250 ml है। इस पैन में हम हल्का सा गर्म करेंगे, साथ में हमने सैटरक डाल दिया। अब ये गर्म होके मिक्स हो गया। दूध हमेशा खट्टे चीज़ से फाड़ता है, तो ये सैटरक हमारा खट्टा होता है, इसको पानी में मिक्स करके हम फाड़ेंगे। वैसे आप टाटरी, फिटकरी, सतनेबू और पनीर मसाला भी आता है, उससे आप फाड़ सकते हो। अब दूध को हम दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह हमारा फिंगर सह जाए तो दूध फाड़ने लायक तैयार होता है। अब सैटरक वाला पानी हमारा गर्म है, इस तरह थोड़ा थोड़ा दूध में हम डालते जाते हैं और तुरंत ये फट जाता है। ये देखिए, इस तरह हम धीरे धीरे से हिलाते हैं जिससे हमारा पनीर बिखरता नहीं है, बिल्कुल मोटे लच्छे में ये फट जाता है। ये देखिए, तो इस तरह ये फट जाता है। इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, पड़ा रहता है, हरा सा पानी पूरा ऊपर आ जाता है, बिल्कुल फ्रेश पनीर बन जाता है। और ये देखिए, इस तरह निचोड़ के देख लेते हैं कि पनीर से पानी निकल जाता है, तब हम छानते हैं। तो इस तरह हाथों से पहले हम निचोड़ के देख लेते हैं, जब पनीर से पानी निचुड़ जाता है तो मलमल के कपड़े में नीचे छाननी लगाकर इस तरह हम पनीर को छान लेते हैं। ये देखिए, इस तरह छान लिया। अब इसको उठाकर इस तरह पानी में इसका निकाल देते हैं। ये देखिए, इस तरह पानी सारा ने निकल जाता है। इसको आप ठंडा पानी थोड़ा भी डाल सकते हो, अगर दूध आपका गर्म ज़्यादा है तो ठंडा पानी से इसको धो भी सकते हो। और ये देखिए, इस तरह हम पानी निचोड़ लेते हैं और इसको थोड़ा सा मैश करते हैं। हल्का सा ही मैश करेंगे, हल्के हाथों से मैश करना होता है। तो ये हमारा पनीर बिल्कुल क्रीमी बन जाता है। ये देखिए, बिल्कुल मुलायम सा फ्रेश पनीर बन जाता है। बस इसमें दाने नहीं होने चाहिए, ये तेज़ पनीर नहीं फटना चाहिए। तेज़ मतलब ये होता है कि इसमें दाने पड़ जाते हैं और पनीर बिखरने लगता है, तो वो पनीर गुलाब जामुन सही नहीं बनता है। पनीर में बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी पनीर चाहिए। और ये देखिए, यहाँ हमने 500 ग्राम खोया लिया है, इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये हमने पहले बना के रख लिया था खोया, अब इस तरह मैश करके इस पनीर में मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, उसके बाद इसमें हम 1 चम्मच शुगर डालते हैं, मतलब चीनी,
और इस तरह इसको हम दोबारा मिक्स कर देते हैं। इससे ये होता है जब हम काले रंग का गुलाब जामुन बनाते हैं तो इसमें काला रंग जल्दी पकड़ लेता है, मतलब जब हम फ्राई करते हैं तो ये काले रंग जल्दी हो जाता है, इसलिए शुगर ऐड किया जाता है। तो अब इस खोया पनीर को हम फ्रिज में रख देते हैं, थोड़ी देर ये ठंडा हो जाएगा और आगे हम बनाते हैं चाशनी। जब तक हम चाशनी बना रहे हैं तब तक खोया पनीर हमारा ठंडा हो रहा है। यहाँ मीडियम फ्लेम पे हमने गैस ऑन किया है, एक कढ़ाई रखा है, इसमें हम 4 कप पानी ऐड करेंगे। ये देखिए 4 कप मतलब 1 लीटर पानी हमारा हो गया, कप हमारा 250 ml का होता है, तो यहाँ हमने 1 लीटर पानी ऐड किया। उसके बाद इसमें हम 1.5 kg शुगर ऐड कर देंगे, मतलब 1 किलो और 500 ग्राम शुगर हम ऐड करेंगे। कप से हम 6 कप शुगर इसमें ऐड कर देंगे और इसकी हम चाशनी बना लेंगे। ये देखिए तो ये हमारा 1.5 kg शुगर हो गया। अब इसकी चाशनी हम बनाते हैं, क्योंकि हमारा खोया 500 ग्राम है और हमारा जो पनीर है 1 लीटर दूध का वो 250 ग्राम है, मतलब हम 750 ग्राम खोए पनीर का गुलाब जामुन बनाएंगे। ये देखिए तो उसके लिए चाशनी हमें ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमने 1.5 kg शुगर की चाशनी बनाई है। ये देखिए उबाला आ गया। अब ये हल्का सा जो मैल आता है इसको हटा देते हैं और ये हमारी चाशनी कंप्लीट है। इसमें टेस्ट के लिए कुछ हम इलायची पाउडर ऐसे डाल देते हैं, इसमें कोई तार नहीं होता, बिल्कुल पतली होती है। अब इस चाशनी में थोड़ा इलायची पाउडर डाल देंगे, इससे थोड़ा चाशनी टेस्टी बन जाता है। रूह केवड़ा वाटर डाल सकते हो, या कोई सेंस है आपको डालना वो भी डाल सकते हो, केसर भी यूज कर सकते हो, तो ये चाशनी में आप डाल सकते हो। अब ये हमारा खोया पनीर है, इसको बीच में हमने जगह बना लिया है। और ये देखिए ये हमारा मीठा सोडा है, जो सिर्फ ये 3 ग्राम मीठा सोडा है, इस तरह हम चम्मच से ऐड कर देंगे। और ये देखिए ये बेकिंग पाउडर है जो 1/2 चम्मच है, मतलब ये मीठा सोडा से डबल है, तो यहाँ हमने 6 ग्राम तक बेकिंग पाउडर ऐड किया और 1 चम्मच यहाँ कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है टेस्ट के लिए। कस्टर्ड पाउडर से हमारे गुलाब जामुन में थोड़ा कस्टर्ड का स्वाद आता है, तो इसलिए हमने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। नहीं ऐड करना आप तो इसमें आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते। यहाँ 1 कप में हमने 100 ग्राम तक मैदा लिया, मतलब कप हमारा भरा नहीं है, आधा से ज़्यादा है। और ये 1/4 कप हमने सूजी, मतलब 20-25 ग्राम हमने सूजी इसमें ऐड किया। अब बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा के ऊपर हम थोड़ा पानी डाल देते हैं और इस तरह पानी से हम इसको मिक्स कर देते हैं। कस्टर्ड भी हमने पानी से ही मिक्स कर लिया है और इस तरह हम सारा इन्ग्रीडियंट्स अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैदा, सूजी, कस्टर्ड पाउडर, सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सभी इन्ग्रीडियंट्स हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अगर ये थोड़ा सख्त होता है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी लगा देते हैं, छिट्टा लगाना होता है, इस तरह थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको हम दोबारा मिक्स कर लेते हैं। इससे ये होता है मुलायम सी थोड़ी रहेगी तभी हमारी गोलियाँ जो होती हैं वो साफ़ सुथरी बनेगी, अगर हार्ड रहेगी तो गोलियाँ हमारी फटती है। तो इस तरह हम मुलायम सा डो बना के इसको हम 2 पार्ट में करते हैं। 1 पार्ट का हम बनाएंगे गुलाब जामुन, गोल वाले काले वाले गुलाब जामुन, और दूसरे पार्ट का हम लंबे वाले गुलाब जामुन जिसकी मलाई जामुन बनाएंगे, तो वो उसकी वीडियो हम आपको बाद में देंगे, ये हम काले गुलाब जामुन की वीडियो हम आपको पहले दे देते हैं। तो ये देखिए यहाँ हम गोल गोल से काले गुलाब जामुन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह हम गोलियाँ कर लेंगे, बस इसमें क्रैकिंग ना हो, नहीं तो ये जल्दी फटने लगती हैं, जब ये फ्राई करते हैं तो फटने लगती हैं। इसी से इसमें पानी का छिट्टा लगा कर अच्छी तरह मुलायम सा बनाया जाता है कि गोलियां हमारे फटे ना, क्रैकिंग ना आए। तो इस तरह हम गोलियां करते जाएंगे, सारा गोलियां करके एक बैच हम तैयार कर लेते हैं और फिर हम फ्राई करते हैं। तो ये देखिए इस तरह हमारी 1 बैचेस तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे, हम घी में फ्राई करेंगे। चलो हम फिर गैस ऑन करते हैं और हम घी गरम करेंगे। ये देखिए यहाँ एक पैन रखा है और मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन किया है, इसमें हम शुद्ध घी ऐड करके फ्राई करेंगे। ये हमारा शुद्ध घी है और इससे हमारी मिठाइयाँ बहुत टेस्टी बनती है। ये नहीं कि आप शुद्ध घी में ही फ्राई करें, आपके पास जो घी है वनस्पति है या आपके पास ऑयल है उसमें भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन जो ऑयल में फ्राई होता है बाद में सिमल आता है, अगर ज़्यादा देर तक गुलाब जामुन रखे रहेंगे तो उसमें सिमल आ जाता है, इसलिए हम घी में फ्राई किया जाता है। आप वनस्पति में भी कर सकते हो और शुद्ध घी में भी कर सकते हो। और ये देखिए
इस तरह जब हल्का सा ये गर्म हो जाता है तो अपने बैच हम डालते जाते हैं। इस तरह ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए घी, अगर ज़्यादा गर्म करोगे तो आपका गुलाब जामुन अंदर से पूरा सॉफ्ट नहीं होगा। तो इस तरह बिल्कुल कम घी गर्म रहे तभी हम अपना बैच इस तरह डाल देते हैं और इसको थोड़ा थोड़ा नीचे से हिलाते रहते हैं। ये इस तरह पैन को पकड़ कर हिलाते रहते हैं, थोड़ी देर बाद ये फूल फूल के ऊपर आ जाता है। जब ये फूलता है तो अंदर जाली बन जाती है, जब ये जालियाँ अच्छी तरह पक जाती हैं तभी हमारे गुलाब जामुन पूरे सॉफ्ट बनते हैं। तो ये देखिए इसको हम मीडियम सेक पे देर तक इस तरह फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम पे रखेंगे और इस तो इस तरह देखिए इस तरह हम देर तक फ्राई करते हैं, जिससे ये धीरे धीरे कलर हमारा चेंज होता जाता है। पहले हल्का ब्राउन होता है, फिर ज़्यादा ब्राउन हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे एक कालापन में आता जाता है। काला गुलाब जामुन आपको बनाने तो बस आपको ज़्यादा फ्राई करना पड़ता है। इस तरह आप ब्राउन से ज़्यादा ब्राउन करते जाइए, उसके बाद में इसका रंग काला बनता जाता है। ये देखिए तो ये हमारा इस समय ब्राउन गुलाब जामुन है। अगर यहाँ हमें ब्राउन रखना होता है तो ब्राउन निकाल सकते हैं, नहीं अगर हमें काला बनाना होता है तो इस तरह हम इसको और काले रंग में फ्राई करते जाते हैं और ये धीरे धीरे ये अच्छी तरह काले रंग का बन जाता है। बस इसको फ्राई करना होता है मीडियम सेक पे। और ये देखिए जब ये काला रंग का हो जाता है तो इस तरह चाशनी में डाल देते हैं और इसको फ्राई करते समय इसकी जालियाँ अच्छी तरह पक जाती हैं, तुरंत ये चाशनी में डूब जाती है, मतलब चाशनी इसमें भर जाती है। ये देखिए अच्छी तरह भर गई, अब ये हमारे काले गुलाब जामुन बन के तैयार हो गए। बस आपको ध्यान रहे जब हम बैच डालते हैं तो बिल्कुल कम घी गरम में डालना पड़ता है, जिससे अंदर से सॉफ्ट जाली बन जाती है। उसी जालियों को हमें मीडियम सेक पे पकाना होता है, तब अच्छी तरह गुलाब जामुन पकने के बाद पूरे सॉफ्ट बन जाते हैं। और ये देखिए एक एक पीस हम इसको ठंडा होने के बाद हम निकाल देते हैं ट्रे में। ये देखिए अब ये काले रंग के गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल टेस्टी बन के तैयार हैं। इसको आप कोकोनट बुरादे में भी लपेट सकते हो और या इस तरह आप प्लेट में जोड़ के वैसे भी खा सकते हो। और ये देखिए अंदर से पूरे ये सॉफ्ट, ये अंदर से पूरी जालियाँ अच्छी तरह भरी हुई है। तो इस तरह ये काले रंग के गुलाब जामुन हमारे बनके तैयार हैं। इस तरह टेस्टी गुलाब जामुन काले रंग के आसानी से आप बना सकते हो। और खोया पनीर का गुलाब जामुन सबसे टेस्टी होता है। खोए की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, पनीर की मात्रा उससे आधा होनी चाहिए, तो आपकी गुलाब जामुन पूरी टेस्टी बनेगी। और यहाँ देखिए ये मेरी शॉप है, इस पर हमारा नंबर बोर्ड पे दिया होता है, आप हमसे कुछ पूछना तो इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो और रेसिपी के बारे में पूछ सकते हो। आगे हम फोर्थ रेसिपी बनाएंगे बेसन सूजी और मावा टेक्सचर की बर्फी, ये बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है। तो दोस्तों राज हलवाई रेसिपी में आज बन रहा है बेसन सूजी और मावा टेक्सचर की ये टेस्टी बर्फी, और ये बर्फी बहुत टेस्टी बनती है, तो चलो मिल के बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज हलवाई, राज हलवाई रेसिपी में आप सभी का स्वागत। तो सबसे पहले हम मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन करेंगे और एक पैन रखकर हम इसमें 2 कप बेसन ऐड करेंगे। ये पेवर चने का बारीक बेसन है और इसमें हम ऐड करेंगे साथ में सूजी। तो अभी हम पहले बारीक बेसन को थोड़ी देर भून लेते हैं। इस तरह हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको भूनना है, अभी बगैर घी के थोड़ी देर हम इसको भून लेते हैं, जिससे इसका टेस्ट कुछ अलग आता है। तो इस तरह हम पहले भून लेते हैं। ये देखिए इस तरह जब हम बारीक बेसन थोड़ी देर भून लेते हैं, इसको बिल्कुल मीडियम सेक पे हम रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए क्योंकि बगैर घी के ये ज़्यादा सेक नहीं होना चाहिए, ये कम सेक पे हम इसको इस तरह रोस्ट जब कर लेते हैं तो हमारे बर्फी का टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है, बहुत टेस्टी बर्फी बन जाती है। तो इस तरह हम बेसन थोड़ी देर भून लेते हैं। अच्छी तरह भूनने के बाद में हम इसमें सूजी भी ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने 1 कप सूजी ऐड किया, वजन में ये 200 ग्राम सूजी है, और जो 2 कप हमने बेसन ऐड किए हैं ये वेट में 320 ग्राम है। मतलब हमारा जो कप में बेसन आता है 160 ग्राम ही आता है, अगर हम अच्छी तरह भर लेते हैं तो 200 ग्राम आ जाता है। तो इसलिए हमने सूजी जो भर के डाला है ये 200 ग्राम डाला है, और जो बेसन हमने डाला है 160 ग्राम एक कप में आता है, तब 320 ग्राम हमने ऐड किया है। अब इसको हम दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह इस तरह रोस्ट कर लेते हैं।
ये देखिए, जब ये कम से कम 10 मिनट तक इस तरह हम भूनते रहते हैं लो मीडियम फ्लेम पे, तो इसमें सुगंध सी आने लगती है। तब हम क्या करते हैं, इसमें अब हम घी डालेंगे। अब घी इसमें हम 2 कप डालेंगे। 2 कप घी के साथ हम इसको भूनेंगे। तो यहाँ हम एक करछी भर के इसमें घी ऐड करेंगे। इस करछी में 150 ग्राम हमारा घी आता है। अब इस तरह हम 2 ऐड करेंगे, मतलब 300 ग्राम घी इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह भूनेंगे। तो ये देखिए, इस तरह हम घी को मिक्स करेंगे। जब बेसन और सूजी में हमारा घी मिक्स हो जाता है तो ये पूरा गिल्ला सा हो जाता है, क्योंकि घी की मात्रा कम अगर होती है तो बेसन की बर्फी कभी टेस्टी नहीं बनती। घी से ही हमारा बेसन अच्छी तरह भूना जाएगा। ये देखिए, जब ये गिल्ला हो जाता है, इसको हम दोबारा अच्छी तरह भूनते हैं और मीडियम फ्लेम कर लेते हैं। पहले लो मीडियम था, फिर हम मीडियम कर लेते हैं और इस तरह हम देर तक भूनते रहते हैं। ये देखिए, थोड़ी देर बाद ये बेसन फूलने लगता है। जब इसमें सेक लगती है घी के साथ तो ये फूलने लगता है, मतलब कच्चा बेसन रहता है, जब ये फूलने लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये पकता जाता है, वैसे वैसे ये झक ख़त्म हो जाता है और ये धीरे धीरे ब्राउन होने लगता है। तो इस तरह हम बर्फी बनाएंगे। और ये देखिए, इस तरह हमने भून के और बेसन तैयार कर दिया। ये देखिए, बेसन सूजी हमारा भून गया। अब इसको हम उठा के दूसरे चूल्हे पे कर देते हैं, जो चूल्हा हमारा बंद है और ठंडा है। तो इस तरह हम इसको यहीं छोड़ देते हैं और ये पड़े पड़े थोड़ी देर ये और अपने आप ही ब्राउन हो जाता है, क्योंकि ये गर्म गर्म होता है। अब आगे गैस का फ्लेम हम मीडियम पे ही रखेंगे और एक कढ़ाही रखेंगे। इसमें हम 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, 1.5 कप हमने पानी ऐड किया, मतलब हमने 400 ml तक पानी ऐड किया है। और इसमें हम 3 कप शुगर ऐड करेंगे। बेसन और सूजी मिला के हमारा 3 कप था, तो यहाँ हम 3 कप शुगर ऐड किए हैं। ये वेट में 750 ग्राम शुगर है। बेसन की बर्फी हो, आटे की बर्फी हो या मैदे की बर्फी हो, अगर इसमें आप मीठा बहुत कम रखोगे तो ये बर्फी इतनी टेस्टी नहीं लगती है। इसलिए जितना सूजी और बेसन आपने लिया है उसी हिसाब से इसमें हमने शुगर ऐड किया है। मतलब हमारा 3 कप सूजी और बेसन है, तो हमने 3 ही कप इसमें शुगर ऐड किया और इसकी चाशनी बना लिया है। ये देखिए, तो इस तरह हम 10 मिनट इसको पका लेते हैं और इस तरह तार पर जब बनने लगती है तो चाशनी तैयार हो जाती है। अब यहाँ थोड़ा फूड कलर हम लगाएँगे, जिससे बर्फ़ी का कलर भी देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा हमने ऑरेंज सा कलर केसरिया रंग का इसमें ऐड किया है और इस तरह चाशनी में हमने मिक्स कर देना। चाशनी में कलर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम जो बेसन भून के रखे थे, ये देखिए अब ये अच्छी तरह ब्राउन भी हो गया है। अब इसको उठा के इस चाशनी में डाल देते हैं। ये देखिए, क्योंकि कढ़ाई हमारी बड़ी सी है, इस तरह हम कढ़ाई में डाल देते हैं। अगर हमारी पैन बड़ी होती हम तो चाशनी उठा के पैन में डाल देते, तो इसमें हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए, और गैस का फ्लेम हम दोबारा लो मीडियम पे चला लेंगे, जिससे ये थोड़ी देर हम पका लेंगे, जिससे चाशनी पूरी अब्जॉर्ब कर लेती है सूजी में भी। तो यहाँ सूजी बेसन है, इसलिए हमने गैस का फ्लेम लो मीडियम पे चला लिया है। थोड़ी देर जब ये अच्छी तरह पकने लगता है तो इसमें हम 1 कप मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर से जो हमारी बर्फ़ी बनती है बिल्कुल मावा टेक्सचर की बन जाती है। यहाँ आपके पास मिल्क पाउडर नहीं ऐड करना तो आप खोया भी ऐड कर सकते हो। 150-200 ग्राम इसमें आप खोया भी डाल सकते हो। तो यहाँ हमने 1 कप मिल्क पाउडर ऐड किया है, मतलब हमारा मिल्क पाउडर 100 ग्राम है। यहाँ टेस्ट के लिए हम 1 चम्मच इसमें इलायची पाउडर भी ऐड करेंगे, जिससे ये बर्फ़ी पूरी टेस्टी बन जाती है। तो इस तरह बर्फ़ी को थोड़ी देर तक फेंटते रहेंगे। देखिए, जब ये थोड़ी देर पकने लगता है, धीरे धीरे ये देखिए जब इसमें सेक लगता है तो ये पकने लगता है, तब यहाँ हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इस कढ़ाही को उठाकर हम ठंडे वाले चूल्हे पर रख देते हैं, जिससे ये थोड़ी देर तक ये ठंडा होता रह गए। इस तरह हम मिक्स भी करते जाते हैं और इसको हम ठंडा करते जाते हैं। जैसे जैसे ये ठंडा होता है वैसे वैसे ये जमता जाता है। ये देखिए, तो इस तरह ये 15-20 मिनट ठंडा होता रहता है, अच्छी तरह ये गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए, ये पूरा थिक हो गया, मतलब बर्फ़ी जमने की अवस्था में आ गई। अब यहाँ आप फिंगर से गोली बना के चेक कर सकते हो, वैसे हम कई वीडियो में दिखाए हैं। और इस तरह यहाँ जब गोली बन जाती है तो बस इसको प्लेन कर दीजिए। तो यहाँ हम किस पे, आज हम कोई चॉपिंग बोर्ड पे ही प्लेन कर देंगे।
ट्रे में नहीं, हमको आज ये छोटा सा चॉपिंग बोर्ड है इस पर हम प्लेन कर देते हैं, इस पर हमने आयल से पहले ग्रीस कर लिया है, उसके ऊपर हम डाल देते हैं और इसके ऊपर हम प्लेन कर देंगे। ये देखिए, ये हाथों से आप कर सकते हो, हाथ पूरी तरह आप साफ करके इस तरह आप प्लेन कर सकते हो, हाथों से अच्छी तरह प्लेन हो जाता है, स्पैचुला से भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी आप कर सकते हो। उसके ऊपर प्लेन करने के बाद इसके ऊपर बर्क, पिस्ता, बादाम जो भी आपको ऐड करना आप कर सकते हो। यहाँ हमने बर्फ, पिस्ता, बादाम सारा कुछ ऐड कर दिया है। अब ये बर्फ़ी हमारी जमने की अवस्था में आ गई है, इसको हम रख देते हैं 4 घंटे के लिए, जब जम जाएगी तब हम आपको कट के दिखाते हैं। तो ये बर्फ़ी हम 4 घंटे के बाद इसको कट करते हैं। ये देखिए, ये बर्फ़ी अच्छी तरह जम चुकी है। अब ये बर्फ़ी आप किसी भी शेप में काट सकते हो। ये देखिए, साइड से थोड़ा सा हम साइड कट कर देते हैं और इस तरह हम इसको कट कर लेते हैं। तो इसको हम चौरस पीस में कट कर देंगे। और ये देखिए, पहले एक तरफ से हम इस तरह नाइफ से कट करते जाएंगे, फिर हम दूसरी तरफ से कट कर देंगे। ये देखिए, अब ये चौरस पीस की बर्फ़ी हमारी बनके तैयार है और ये बर्फ़ी बेहद टेस्टी है और पूरी सफाई से बन जाती है। ये देखिए, आसानी से आप इसको निकाल भी सकते हैं, ये बर्फ़ी बिल्कुल सेप पीस में निकल जाती है। तो इस तरह बर्फ़ी आप आसानी से बना सकते हो और बहुत टेस्टी बर्फ़ी ये बनके तैयार है। ये पहले हमने सूखा भी रोस्टेड किया है, तो इससे ये बर्फ़ी ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। इस बर्फ़ी को आप सिर्फ घी में बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बर्फ़ी बनती है और इसको आप कम से कम महीनों स्टोर करके खा सकते हो। तो इस तरह बर्फ़ी हमारी कंप्लीट है। हम इस तरह, ये देखिए, सारे पीसेस आसानी से निकल जाते हैं। इसको हम इस तरह जोड़ देते हैं, जिस तरह हमारा ट्रे लगता है इस तरह हम जोड़ देते हैं, इसी चॉपिंग बोर्ड पे ही जोड़ देते हैं। अब ये हमारी बर्फ़ी बहुत टेस्टी तैयार है, आप भी आसानी से इसको बना सकते हो। और हाँ दोस्तों, और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाएं, तो हमारे चैनल पे बहुत सी मिठाइयों की वीडियो, कुछ नमकीन की वीडियो, सब्जियों की भी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो। और यहाँ आगे देखिए, ये हमारी शॉप है, इस शॉप पे इस तरह हम सेल भी कर लेते हैं। कोई भी रेसिपी हम बनाते हैं तो इस काउंटर के ऊपर रख देते हैं, या हमारी सेल भी हो जाती है। मेरी शॉप है, छोटी क्वांटिटी में हो या बड़ी क्वांटिटी में हो, हमारी मिठाई सेल हो जाती है। यहाँ हमारे बोर्ड पे नंबर भी दिया हुआ है, आप इस पे संपर्क भी कर सकते हो। अब 5 वाली रेसिपी हम बनाएंगे रसगुल्ले की। रसगुल्ले आप आसानी से कैसे सॉफ्ट और जालीदार बना सकते हो। दोस्तों, आज हम बुफेलो मिल्क के रसगुल्ले बनाएंगे और वो भी लंबे साइज़ के बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह हमारे रसगुल्ले तैयार होते हैं। तो रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 लीटर दूध लिया है। इस पतीले में हमने थोड़ा सा पहले पानी ऐड किया है। पानी जब उबल जाता है तब इसमें हमने 2 लीटर दूध ऐड किया है और इसको उबाला दे दिया। ये देखिए, दूध हमारा अच्छी तरह उबल गया। छेना बनाने के लिए दूध अच्छी तरह उबाल लेना चाहिए, उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। इसकी गर्म भाप निकाल देते हैं और इसका उठाकर हम पानी में रख देते हैं, थोड़ी देर इसको ठंडा करेंगे। तो इस तरह कढ़ाई में हमने पानी भर लिया है और उसके बाद इसको हम कढ़ाई में रख देंगे, जिससे दूध हमारा नॉर्मल गर्म सा रह जाए, जितना गर्म दूध हम पी सकते हैं या हमारा फिंगर दूध में डालने से सह जाता है, उतना गर्म हमें दूध फाड़ना पड़ता है। तो इस तरह हमने तैयार कर लिया है। अब इसको पतीले को हम निकाल कर उसी गैस चूल्हे पे हम दोबारा रख लेते हैं और वहीं हम दूध को फाड़ेंगे। तो ये देखिए, इस तरह हमने चूल्हे पे ही रख लिया है, गैस का फ्लेम हमारा बिल्कुल बंद है और ये हमने विनेगर लिया है। तो आज हम दूध विनेगर से फाड़ेंगे। उसके लिए इस कप में हमने 50-60 ml विनेगर ऐड किया है और कप पानी से हमने भर लिया है। एक गिलास इसमें हमने पानी ऐड किया और इस तरह थोड़ा थोड़ा दूध में डालते जाते हैं। दूध हमारा नॉर्मल सा गर्म होता है, जब ये इस तरह हम डाल के हिलाते हैं तो ये धीरे धीरे फटने लगता है। ये देखिए, और थोड़ी देर बाद अच्छी तरह फट जाता है। ये देखिए, हरा सा पानी जब ऊपर आ जाता है तो जान लिए दूध हमारा फट गया। अब इसको यहाँ हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे पूरी तरह ये पनीर नीचे बैठ जाता है और हरा सा पानी ऊपर आ जाता है, तो ये पनीर सेट हो जाता है। इसको हाथों से इस तरह निचोड़ कर चेक कर लेते हैं, जब इसका पानी निकल जाता है तो इसको हम मलमल के कपड़े में छान लेते हैं। यहाँ हमने एक छाननी के ऊपर मलमल का कपड़ा लगा दिया है, नीचे एक हमने पतीला रखा है जिससे पानी हमारा नीचे चला जाता है और इस तरह हम अपने छेने को छान लेते हैं। ये देखिए, इस तरह हम पूरा छाननी में पलट देते हैं और इसका पानी अच्छी तरह हम निकाल लेंगे उठा के। ये देखिए,
इसको हल्के हाथों से दबाना होता है, ज़्यादा नहीं कि कस के दबाना होता है, फिर जोर नहीं लगाना होता है, बस हल्के हाथों से इसको हम निचोड़ निचोड़ के इस तरह, ये देखिए हमने पनीर एक ट्रे में रख दिया। अब ये देखिए, अगर आपको यहाँ डाउट है कि इसमें हमारा पानी थोड़ा बहुत और है, हाथों में लगता है कि इसमें पानी है, तो इस तरह उसी कपड़े से आप दबा दबा के और कपड़ा अलग निचोड़ दीजिए, पानी इसका निकल जाएगा। और इसको आप मैश कर दीजिए, और मैश करने से ये बिल्कुल क्रीमी बन जाता है। ये देखिए, ये सॉफ्ट पनीर होता है जब हम नॉर्मल गर्म दूध फाड़ते हैं और मसाला भी बिल्कुल कम मात्रा में ऐड करके पानी में मिलाते हैं, तो बिल्कुल सॉफ्ट पनीर बनता है। और ये देखिए, यहाँ हम थोड़ा सा इसमें घी मिला देंगे। घी से ये होता है, आप डालडा घी मिला सकते हो, शुद्ध घी भी मिला सकते हो। घी से ये होता है कि ये अंदर से पूरी जाली भी बनती है और जल्दी पक जाता है। तो आज हम बनाएंगे बफेलो मिल्क के रसगुल्ले। ये हमारा पनीर वेट करने पे 300 ग्राम है, तो इसको हम रख दिया फ्रिज में, फ्रिज में ठंडा हो रहा है। अब इधर हमने मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन किया है और इसमें हम 3 कप पानी ऐड करेंगे। ये जी, ये 3 कप हमने पानी ऐड कर दिया। अब इसमें 6 कप हम शुगर ऐड करेंगे। पानी हमारा 750 ml है और शुगर हमारा 1 kg 500 g है, मतलब 1.5 kg शुगर इसमें हम चाशनी बनाएंगे। शुगर के आधा हम पानी ऐड करते हैं, शुगर हमारा 6 कप है तो ये पानी हमारा 3 कप है, तो इस तरह हमने शुगर ऐड कर दिया। अब इसकी चाशनी बना लेंगे। तो बस इस तरह ये थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है और उबाला आ जाता है, चाशनी हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो ये देखिए, चाशनी हमारी उबल गई। अब यहाँ गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे कर देंगे, जिससे धीरे धीरे ये उबलता रहे। और उधर हम पनीर को देखते हैं। इस पनीर में हम थोड़ा सा मीठा सोडा लगाएंगे। ये पनीर हमारा 300 ग्राम है, या छेना कहिए आप या पनीर कहिए। तो मीठा सोडा इसमें कितना ऐड करना, हम 1 किलो पनीर में 1 ग्राम ही लगाते हैं, तो 1 ग्राम का 1/3 हिस्सा इसमें हमने मीठा सोडा ऐड किया है। और ये देखिए, ये 1 चम्मच का 1/3 हिस्सा हमने बेकिंग पाउडर लिया है और इसमें ऐड कर दिया। चम्मच में 15 ग्राम बेकिंग पाउडर आता है और इसमें हमने 5 ग्राम तक बेकिंग पाउडर ऐड किया। और यहाँ देखिए, 1 किलो छेना में हम 100 ग्राम आरारोट लगाते हैं, तो ये हमारा 300 ग्राम है, तो यहाँ हमने 30 ग्राम ऐड किया। सूजी 20 ग्राम 1 किलो में लगाते हैं, तो यहाँ हमने 5-6 ग्राम सूजी ऐड कर दिया। अब यह मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर के ऊपर हम पानी डाल देंगे और इस तरह हम पानी में मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर मिक्स करके और साथ में सूजी आरारोट सारा मिक्स करके हम ये सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये देखिए, ये मुलायम हो, ये टाइट ना हो ज़्यादा, अच्छी तरह गोलियां बन जाए, बस उतना मुलायम रखना पड़ता है। और ये देखिए, इस तरह हम ये क्या करेंगे, इसको हाथों में लंबा सा रोल बनाते हैं और ये पेड़ियाँ तोड़ लेते हैं। जिस शेप में आपको छोटे बड़े आकार के रसगुल्ले बनाने हैं, उस तरह आप पेड़ियाँ तोड़ लीजिए। अब यहाँ आप देखिए, इस तरह आपको गोल साइज़ के रसगुल्ले बनाने हैं तो आप गोल कर दीजिए, नहीं तो आप इसको लंबा कर दीजिए। जो आपको लंबे बनाने हैं तो इस तरह थोड़ा लंबा कीजिए, तो जिस तरह आपको पसंद हो उस तरह आप इस तरह गोलियाँ कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये 2 पीस हमें लंबे साइज के बनाए, हम लंबे साइज के रसगुल्ले बनाएंगे। तो यहाँ हमने बैच नहीं तैयार किया है, पहले हमने 2 गोलियाँ बनाई हैं और 1 गोली हम इस तरह चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी हमने आधा निकाल लिया है और इस तरह 1 पीस डाल के इसको चेक करना होता है। अगर ये रसगुल्ले फटते हैं तो इसमें थोड़ा सा हम सूजी या आरारोट और लगा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ हम आपको दिखाते हैं, ये ऊपर से ज़्यादा सॉफ्ट है और ये देखिए, ये ऊपर से हल्का हल्का फट रहा है, मतलब ये अगर हम देर तक पकाएंगे तो ये फट जाएगा। तो बस हमने सैंपल चेक कर लिया, अब चाशनी जो हमने निकाला था इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए, ये जो ज़्यादा कटा है ये हमारी करछी लग के कट गया है, लेकिन ये ऊपर से ज़्यादा सॉफ्ट है, अगर हम देर तक पकाएंगे तो ये फट सकता है। तो यहाँ देखिए, इस इन्ग्रीडियंट्स में थोड़ा सा हम इसमें आरारोट और मिक्स कर लेंगे, इससे होता है कि रसगुल्ले हमारे नहीं फटेंगे। बस ज़्यादा नहीं इसमें मिक्स करना होता है, 1/2 चम्मच इसमें हमने आरारोट और मिक्स कर लिया। अब इसकी गोलियाँ हम दोबारा कर लेंगे, क्योंकि पहले हमने इसीलिए गोलियाँ नहीं किया कि सैंपल चेक कर लिया। तो सैंपल जब पता लग जाता है तब आप पूरा बैच तैयार कर लीजिए। तो इस तरह हम पूरा बैच तैयार कर देंगे, हमें लंबे साइज के बने तो इस तरह हम लंबे साइज की अपनी गोलियाँ करते जाएंगे।
जब गोलियां तैयार हो जाता है तो ये देखिए इस तरह कप में हम पनीर का पानी रखे थे, जो पनीर हम निचोड़ते हैं, छेना निचोड़ते हैं, इस तरह गाढ़ा पानी एंड में गिरता है, ये रख लेते हैं, इससे ज़्यादा झाग बन जाता है। अगर इससे नहीं बनता है तो आप रीठे का पानी भी लगा सकते हो। और ये हमारा बैच भी तैयार हो गया है। अब इस तरह हम गोलियाँ चाशनी में डालते जाएंगे। चाशनी हमारा इस तरह बनी हुई है कि शुगर के आधा पानी हमने ऐड करके और चाशनी बनाया है। अगर आप बनाते हैं तो आपको पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा, शुगर के आधा पानी डालकर आपको चाशनी बनाना पड़ेगा। और इस तरह थोड़ा सा इसमें पनीर का पानी या रीठे का पानी आप इसमें ऐड करके इस तरह झग बना सकते हो। ये देखिए चाशनी के ऊपर झग जैसा चढ़ता जाता है, इससे रसगुल्ले कवर हो जाते हैं और रसगुल्लों को पूरी स्टीम मिलती है, तब हमारे रसगुल्ले पकते हैं। तो यहाँ रीठे का पानी भी हमने थोड़ा सा डाल दिया, जिससे झग अच्छी तरह बन जाता है और ऊपर से रसगुल्ले कवर हो जाते हैं। और जब कवर हो जाते हैं तो नीचे अच्छी तरह ये फूलते जाते हैं। ये देखिए अब ये बड़े साइज के हो गए फूल फूल के। तो इस तरह ये रसगुल्ले बनते हैं। जब ये 5 मिनट अच्छी तरह पकता रहता है, 7 मिनट पकता रहता है, तब हमारे रसगुल्ले अच्छी तरह पक जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमने छोड़ दिया, ये 5-7 मिनट अच्छी तरह पकता रहता है और नीचे ये पकता रहता है और ये पतली चाशनी सारा अब्जॉर्ब कर लेती है, तब ये चाशनी हमारी गाढ़ी हो जाती है। तो गाढ़ी से ये ज़्यादा नहीं अब्जॉर्ब करती, जब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हैं और ये पतली होती है तब ये चाशनी दोबारा अब्जॉर्ब करती है और अच्छी तरह ये छेने में भरती जाती है। जब तक ये अंदर पकती रहती है तो अच्छी तरह पक जाती है और पतली चाशनी सारा अब्जॉर्ब कर लेती है। जब गाढ़ी हो जाती है तो अब्जॉर्ब नहीं करती है। तो ये 7 मिनट तक ये पक जाती है, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हैं और जब तक लगाते हैं कि जब तक ये ऊपर से अच्छी तरह सॉफ्ट ना हो जाए और चाशनी में आधा डूब ना जाए, तब ये हमारे रसगुल्ले पक्के तैयार होते हैं। तो ये देखिए इस तरह हमारे रसगुल्ले पक्के तैयार हैं। अब ये पूरे सॉफ्ट हो गए हैं, चाशनी में आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं। अब ये कहीं ना पिचकेंगे ना सिकुड़ेंगे, अच्छी तरह पक चुके हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई फ्लेवर आपको देना, कोई सेंस इलायची सेंस या आपको गुलाब सेंस या रूह केवड़ा, जो भी इसमें आपको डालना, इस तरह आप फ्लेवर दे सकते हो। गरम गरम छेने में अच्छी तरह सेंस ऑब्जॉर्ब कर लेता है तो इसका टेस्ट बहुत बेस्ट बन जाता है। अब इसको हम ठंडा होने तक इंतज़ार करेंगे, कम से कम 2-3 घंटा इसको ठंडा करेंगे। उसके बाद में ये देखिए इस तरह हमारे पीसेस पूरे टाइट हो जाते हैं और ये देखिए इस तरह निचोड़ते हैं तो अच्छी तरह ये रसा भरी होती है। इसको हम एक थाल में निकाल लेते हैं ठंडा होने के बाद। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे रसगुल्ले कितना सॉफ्ट अंदर से बने हैं और कितने जालीदार बने हैं। तो इस तरह रसगुल्ले आप लंबे आकार के भी बना सकते हो, गोल आकार के भी बना सकते हो और छोटे आकार के भी बना सकते हो। बस इंग्रेडिएंट्स यही रहता है, आपको छोटे बड़े लंबे या आपको कलर वाले जैसे भी आपको बनाने, बस इसी तरह बनता है। और ये देखिए इसको हम आपको काट के दिखाते हैं। ये देखिए अंदर से ये पूरी जाली सी बनी होती है। जाली अच्छी तरह जब पक जाती है तो रसगुल्ले हमारे पूरे सॉफ्ट होते हैं। अब ये रसगुल्ले आपको पकाने में कोई डिफेक्ट होता है तो ये कच्चा रह जाते हैं, बीच में गांठ बन जाती है, ऊपर से ये सिकुड़ जाते हैं। तो बस आपको ध्यान रहे कि आप इसी तरह रसगुल्ले अगर आपको बनाना है तो पूरे मेजरमेंट के हिसाब से अगर आप रसगुल्ले बनाएंगे तो आपके रसगुल्ले पूरे सॉफ्ट और पूरे टेस्टी बन के तैयार होंगे। और इसी रसगुल्ले में आप मलाई जैसा खोया स्टफिंग कर दीजिए तो आपका चमचम बनके टेस्टी तैयार हो जाता है। ये देखिए इसमें काजू बादाम चेरी जो भी आपको सजाना, इस तरह सजा के आप बना सकते हो। तो आगे हम बनाते हैं 6 वाली रेसिपी। ये भी स्वीट की है और ये स्वीट भी बहुत टेस्टी बनता है। तो हम ब्राउन पेड़ा बनाएंगे। तो राजलवाई रेसिपी में आज हम बनाएंगे ब्राउन पेड़े। ये देखिए इस तरह ब्राउन पेड़े बहुत टेस्टी बनते हैं और इसे सिर्फ हम दूध से बनाएंगे। तो दूध से हम ब्राउन पेड़ा कैसे बनाते हैं देखिए। उसके लिए हमने मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन किया है, एक कढ़ाही रखा है और इसमें हम 2 लीटर दूध ऐड करेंगे। दूध हमारा पहले से उबला हुआ है, काफ़ी मलाई इसमें आई हुई है। अब दोबारा इसको हम पहले उबाल लेंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसको काटते रहेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमारा दूध थोड़ी देर बाद ये उबल जाता है। जब दूध उबाला आ जाता है तो इस तरह ये पकता रहता है। ये देखिए गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम से हम कर देते हैं और इस तरह दूध धीरे धीरे कड़ता रहता है और जितना ही कड़ता है ये उतना ही ये धीरे धीरे लाल होता है, क्योंकि गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो मीडियम पे कर दिए हैं। लो मीडियम पे ये धीरे धीरे उबलता रहता है।
जब हमें पेवर दूध से पेड़ा बनाना होता है तो गैस का फ्लेम हम लो मीडियम पे इस तरह कर देते हैं और धीरे धीरे दूध हमारा सूखता जाता है। मतलब इसका गैस का फ्लेम बहुत कम रखना चाहिए और जितनी देर तक ये उबलता है धीरे धीरे दूध भी लाल हो जाता है और धीरे धीरे जो खोया तैयार होता है इसका वो ब्राउन होता है। मतलब ये बहुत टेस्टी पेड़ा बनता है। तो इस तरह दूध हमारा कम से कम 1.5-2 घंटे में सूखता है। तो धीरे धीरे जितना ये उबलता है उतना ही ये ब्राउन होना शुरू हो जाता है। ये देखिए धीरे धीरे दूध हमारा कम होता है उतना ही दूध ये लाल भी होता जाता है। तो इस तरह ब्राउन पेड़ा आज हम बनाएंगे और ये पेड़ा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम पर करके और इस तरह दूध को सुखाते हैं तो जो पेड़ा बनता है बिल्कुल टेस्टी पेड़ा तैयार होता है। तो ये देखिए इस तरह ये पकता रहता है और दूध हमारा धीरे धीरे सूखता रहता है। इसको साइड से हम स्क्रैच करते रहते हैं जिससे हमारे जो मलाई है ये साइडों में ना जमे। और इसको बनाने का बहुत सरल तरीका है क्योंकि गैस का फ्लेम जब लो मीडियम पे होता है तो नीचे चिपकता भी नहीं, कढ़ाई में चिपकता नहीं है। हम आज नास्टिक पैन में नहीं, आज हम कढ़ाई में बना रहे हैं। तो इस तरह जब धीरे धीरे हम फ्लेम पर बनाते हैं तो ये बहुत आसानी से सूखता जाता है और चिपकता भी नहीं। तो इस तरह के पेड़े धीरे धीरे ये ब्राउन भी होते हैं और पूरे टेस्टी भी तैयार होते हैं। तो यहाँ देखिए ये हाथ में हमने थोड़ा सा सैट्रक लिया है, ये खट्टा होता है, या आप दही भी एक चम्मच इसमें डाल सकते हो। तो इससे डालने से ये होता है दूध में हल्का हल्का दाने पड़ जाते हैं। आज हम दानेदार पेड़े की रेसिपी बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह दूध देखिए धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन होता जाता है और ये जितना ही सूखेगा उतना ही ये ब्राउन होता जाएगा। हमें जब भी अपने घर में दूध से पेड़े बनाने होंगे तो आप इस तरह बना सकते हो। अपने घर के चूल्हे पे ही इस तरह रख के और दूध को काढ़ते रहिए और इस तरह आप इसको बनाते रहिए। जब ये दूध हमारा आधे से ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तब इसमें हम ऐड करते हैं थोड़ा इलायची पाउडर और थोड़ा इसमें ऐड करेंगे हम शुगर। तो ये हमारा इलायची पाउडर है जो टेस्ट के लिए ऐड किया। थोड़ा थोड़ा जब दूध रहता है इसमें ऐड करते हैं तो इलायची का टेस्ट दूध में हो जाता है। अब यहाँ ये कप से हमने कम, मतलब हमने 200 ग्राम इसमें शुगर ऐड किया है। जो दूध हमारा है फुल फैट 2 लीटर है और 2 लीटर में कम से कम हमारा 600 ग्राम तक खोया निकल जाता है। तो इस तरह 600 ग्राम खोए के हिसाब लगा के सिर्फ हमने 200 ग्राम इसमें शुगर ऐड किया, मतलब 2 लीटर दूध में हमने 200 ग्राम शुगर ऐड किया और थोड़ी सी इलायची ऐड किया और इस तरह हम पकाते रहेंगे। तो जैसे जैसे ये पकता रहता है वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाता है, ये देखिए, और थोड़ा थोड़ा सा ये ब्राउन होता जाता है। अब दूध हमारा कम से कम ये 2 घंटे के बाद ये सूख के तैयार हुआ, इसलिए इसका खोया बिल्कुल ब्राउन हो जाता है। ये देखिए धीरे धीरे ब्राउन जब हो जाता है तो ये खोए का टेस्ट कुछ अलग हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है और इसमें दाने भी नज़र आने लगे। ये देखिए साइट्रक से छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, इससे जो होता है हमारे पेड़े दानेदार बन जाते हैं। अगर दानेदार पेड़े आपको नहीं खाना तो साइट्रक मसाला ना यूज़ करो। अगर हम दानेदार खाना है तो इस तरह आप साइट्रक मसाला ऐड कर सकते हो या एक चम्मच दही भी डाल के आप दानेदार बना सकते हो। तो इस तरह इसको हम सुखाते जाएंगे, जितना ही सुखाते हैं उतना ही ये ब्राउन होता है और ब्राउन होने से हमारे पेड़े बहुत टेस्टी बनेंगे। तो इस तरह आज हम सिंपल कढ़ाई में बनाए हैं जिससे आपको भी बनाने में कोई तकलीफ ना आए। तो इस तरह मीडियम सेक पे इसको हमने सुखा लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच घी ऐड कर दिया, घी से ये होता है और ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो इस तरह खोया अच्छी तरह हम घी के साथ थोड़ी देर हम सुखा लेंगे। ये देखिए इस तरह जब ये सूख जाता है तो ये काफ़ी टेस्टी पेड़ा हमारा बन के तैयार होगा और पेवर दूध का पेड़ा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इस तरह ये देखिए कढ़ाई में हम इसको सुखा लेंगे घी के साथ। जब ये अच्छी तरह इकट्ठा होने लगता है तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। ये देखिए इस तरह जब ये इकट्ठा होने लगता है तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, मतलब ये पेड़े बनने की अवस्था में आ जाता है। इसको हम फिंगर से चेक कर लेते हैं, जब ये हमारा फिंगर में गोली बनने लगती है तब ये जान लीजिए कि आपका पेड़ा बन जाएगा। या आप इसका बर्फ़ी भी जमा सकते हो, दानेदार बर्फ़ी भी जमा सकते हो। तो इसको हम एक प्लेट में निकालें थोड़ा सा और इसको हम चेक करके आपको दिखाते हैं। जब हम फिंगर से इसको गोल करते हैं तो तुरंत ये गोल हो जाता है। ये देखिए इस तरह ये गोल हो जाता है, गोल होने के साथ साथ ये इकट्ठा हो जाता है, मतलब ये हमारे पेड़े आसानी से बन जाएगा और ये हम बर्फ़ी जमाएं तो बर्फ़ी भी आसानी से जम जाती है।
तो इस तरह हमारे फिंगर में गोली बन जाए और फिंगर में चिपके ना, तो बस हमारे पेड़े तैयार हो जाएंगे। तब हम इसको क्या करते हैं, गैस का फ्लेम बंद करके और थोड़ी देर ठंडा करके और इस ट्रे में डाल देते हैं, इसको थोड़ा देर फैला देते हैं जिससे ये ठंडा हो जाए, और इसी तरह हम रख देते हैं एक घंटे तक। इस तरह बाहर ये पड़ा रहेगा, जब ठंडा हो जाएगा तब इसके हम पेड़े बनाएंगे। तो इसको हम रख देते हैं अभी, उसके बाद एक घंटा के बाद हम ये पेड़े बनाएंगे। ये देखिए, इसको फिर दोबारा हम इकट्ठा कर लेते हैं और इसको मैश कर लेंगे। इसको मैश करने से आसानी से ये सारा दोबारा मिक्स हो जाता है और इसके अब हम पेड़े बनाएंगे। गांव देहात के एरिया में सबके यहाँ भैंस होती है, उनके यहाँ एक दो लीटर दूध होता है, लेकिन पेड़े बर्फ़ी बना के नहीं खा पाते। तो इस तरह आप पेड़े बर्फ़ी आसानी से अपने घर में बना सकते हो। ये देखिए, दो लीटर दूध रख दीजिए, धीरे धीरे ये कम फ्लेम पे सूखता रहे। चाहे आप चूल्हे पे रख सकते हो, अपने घर में देसी चूल्हा होता है उस पर भी बना सकते हो, और इस तरह ये धीरे धीरे ब्राउन हो जाता है। बस दो लीटर में आप 200 ग्राम शुगर ऐड कीजिए, इलायची टेस्ट के लिए ऐड कर दीजिए, और साथ में इसमें आप दानेदार बनाना तो आप एक चम्मच दही डाल दीजिए, या आपके पास सैट्रक हो तो सैट्रक डाल के इस तरह पेड़े आप दानेदार बना सकते हो। ये देखिए, इस तरह हम पेड़े बनाते जाते हैं। जब हमारे सारे पेड़े बनके तैयार हो जाते हैं, इसके ऊपर ड्राई फ्रूट कटा हुआ इस तरह सजा देते हैं, बस हमारे पेड़े तैयार हैं। जिसके पास सांचे हैं पेड़े के, वो सांचे तरह बना सकता है, सांचे का डिजाइन भी दे सकता है। तो इस तरह हमारे ब्राउन पेड़े बहुत टेस्टी बनते हैं, और ये घर में आसानी से बना सकते हो, क्योंकि दूध सबके घरों में होता है, मज भैंस सबके घरों में होती है। तो इस तरह ब्राउन पेड़ा आप आसानी से बना सकते हो, और ये बहुत टेस्टी पेड़ा बनता है। और इसको हम शॉप पे भी बनाते हैं, लेकिन ये महंगा पड़ता है। जो पेवर दूध का पेड़ा होता है, ये 600 रुपया केजी हमारे यहाँ बिकता है। 600 रुपये से अगर कम बेचते हैं तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ दूध को सुखाना होता है, और दूध सुखा के इसको ज़्यादा सुखाना पड़ता है, इसलिए इसका वज़न कम हो जाता है, और कम होने की वजह से ये ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो इस तरह हम अपने शॉप पे बनाते रहते हैं। जो पेवर दूध का पेड़ा बर्फ़ी होता है, ये बहुत टेस्टी होता है, महंगा तो पड़ता है लेकिन बहुत टेस्टी बर्फ़ी या पेड़ा तैयार हो जाता है। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं।